बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चना बिरयानी। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाते हैं, बहुत ही मज़े की और स्पाइसी सी बिरयानी बनेगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप ऑयल और मैंने कढ़ाई में ऐड किया है। अब इसमें 3 अदद प्याज डालूंगी। 3 अदद मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इनको स्लाइस में काट लिया है और वो ऐड किए हैं। अब प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और उनको काट लिया है, अब वो ऐड किए हैं। उसके बाद टमाटरों को हम गला लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को पकते हुए। अब हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट लगवा लेंगे और इससे टमाटर हमारे गल जाएंगे। टमाटर यहाँ पे गल चुके हैं। अब इन्हें 1-2 मिनट के लिए चम्मच चलाएंगे। इसी तरह से इन्हें फ्राई करेंगे और इसमें हम अब ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम 2 मिनट के लिए दोबारा से सब चीज़ों को पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं मसाला फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें चने ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चने लिए हैं, इनको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया है। चनों को हम 5 मिनट के लिए इसी तरह मसाले में पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू बुखारे के 4 पीस। यहाँ पे मैंने आलू बुखारा लिया है खुश्क और वो मैंने ऐड किया है। उसके साथ ही हम इसमें स्पाइसी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, हसबे जायका सिर्फ मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे फेस में हम ऐड कर देंगे हल्दी 1 टीस्पून। इसमें मैं ऐड करूँगी अब 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाले के और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाले का। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल कम यूज़ किया है। आप लोग भी कम ऑयल में खाना बनाया करें क्योंकि ऑयल अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, तो कोशिश किया करें कि कम से कम ऑयल इस्तेमाल करें अपनी चीज़ों में। अब मैं इसमें सारे गरम मसाले साबुत ऐड कर दूंगी और ये मैं मेंशन कर दूंगी ऊपर मैंने कितनी क्वांटिटी इनकी ऐड की है। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून साबुत जीरे का ऐड कर दूंगी और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता और 2 तेज़पत्ते मैं ऐड करूँगी। और उसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे हम और इसको हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर कवर करके पका लेंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे और इसमें हम जो इसका फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखेंगे और पानी जो है इसका ड्राई कर लेंगे। दूसरी साइड पे हम चावल बॉईल कर लेते हैं, उसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे चावल के पानी में। साबुत मसाले, दालचीनी ऐड की है और बादियान का फूल ऐड किया है और बड़ी इलायची और ज़ीरा ऐड करके हम पानी को बॉयल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करके चावलों को एक कनी रख कर बॉयल कर लेंगे। पानी में बॉयल आ गया है और यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 kg चावल और उनको मैंने आधे घंटे के लिए धो के भिगो दिया था और वो मैंने ऐड कर दिया है इसमें। और साथ ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। चने मैंने 500 ग्राम लिए हैं और जो चावल है वो मैंने 1000 ग्राम लिए हैं 1 kg। चनों का पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। हमने इसमें पानी इसलिए ऐड किया था कि जो चनों में हमने मसाले डाले हैं उनका टेस्ट अच्छी तरह से इसमें डिवेल्प हो जाए। और अब ये है कि चनों का पानी हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और इसमें अब इसमें हम सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 4 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं इसमें, कुछ काट के और कुछ साबुत ही ऐड कर दी हैं। उसके बाद हम इसको कवर लगा कर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस साइड पे हमारे चावल पक रहे हैं। चने हमारे यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और फ्लेम हमने ऑफ कर दिया हुआ था और इसके ऊपर कवर लगा के रखा हुआ था। अब हम चावल भी रेडी हो चुके हैं। एक कनी करके हमने चावल बॉईल कर लिए हैं। अब हम चावलों की तह लगा लेंगे। नीचे थोड़ा सा हम पतीले में ऑयल लगा लेंगे। उसके
उसके ऊपर हम चावलों की तह लगाएंगे, उसके ऊपर उसके बाद हम चनों की तह लगाएंगे। इसी तरह से हम इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने कुछ प्याज ब्राउन कर लिए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी इसके ऊपर, और इसी तरह से हम फिर से चावलों की तह और फिर से चनों की तह लगा कर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चों की तह लगा देंगे, और जो लास्ट वाली हमारी तय होगी उसमें हम इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर, येलो फूड कलर को दही में मिक्स करके रख लिया है, आप पानी में भी ऐड करके डाल सकते हैं, तो वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें पुदीना और धनिया लगाकर चनों के ऊपर तो हम इसको दम लगा देंगे। लास्ट वाली जो हमारी ऊपर तय है उसमें हम चावलों के ऊपर थोड़ी सी प्याज ब्राउन की हुई डालेंगे और साथ में धनिया पुदीना, और हम इसके ऊपर दही में जो फूड कलर ऐड किया है वो डालकर तो हम इसको दम पे लगा देंगे तवे पे रखकर। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो दम हमारा 10 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे जो बिरयानी है चना बिरयानी वो रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है खाने में। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, उससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।